हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जो मैंने पॉन्ड बनाया था। जो जो मैंने पॉन्ड बनाया था, पूरा सेटअप एकदम दिखाया था कि इतना सुंदर पॉन्ड बनाया था। तो वो पॉन्ड का लंबाई था 13 फुट बाई 7 फुट का। सो उस पॉन्ड एकदम रेडी हो गया है पानी पानी छोड़ के। सो अभी जो है फिश का डालने का बारी आ गया है। जो एलिगेटर गार है वो 2 फुट हो गया है मेरा, और वो अभी वहाँ पर डालेंगे। और वही बहुत झमेला है क्योंकि एक तो ये 3 फुट बाई 1.5 फुट का एक्वेरियम है, एकदम ही छोटा एक्वेरियम है, और ये लोग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। सो कैसे इनको निकाले वही झमेला है। और हमारे पास जो नेट था वो इनके लिए छोटा पड़ गया है अभी नेट जो है। ये लोग बहुत बड़ा हो गया है कुछ दिन में ही। मेरे पास हुआ है 2 महीने का ऊपर हो गया है, 2.5 महीना हो गया है, और मैं लाया था 7-8 इंच का, और अभी ये हो गया है 2 फुट लगभग। मंथ में जो है ये 5 इंच तक बढ़ जाता है। तो इतना ज़्यादा इन लोगों का ग्रोथ रेट बहुत ही हाई है। मैं आप लोगों को एक ग्रोथ का वीडियो भी दे दूँगा ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि एलिगेटर का कितना जल्दी से बढ़ते हैं। और आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखना कि ग्रोथ हमेशा सबका एक नहीं होता, क्योंकि ग्रोथ रेट जो है वो फीडिंग के ऊपर और टेम्परेचर सबके ऊपर डिपेंड रहता है। क्योंकि एलिगेटर गार को हीटर नहीं चाहिए, फिल्ट्रेशन उतना अच्छा नहीं चाहिए, फीडिंग आप कुछ भी दे दो तो चल जाएगा। मगर हम लोग जो है पूरा विंटर एकदम हीटर में रखे, फिल्ट्रेशन एकदम बहुत अच्छा था, इसलिए ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छा ले लिया है। और हम लोग तो लाइव फीडिंग देते थे, पहले गोल्ड फिश देते थे, अभी जो है बाटा मास देते हैं, हमारे यहाँ पे लोकल में मिल जाता है, लाइव फीडिंग देते हैं। सो आप लोग लाइव फीडिंग अगर दोगे तो बेस्ट ग्रोथ दिखेगा आपको। जो फिश है, जो भी मॉन्स्टर फिश है, आपको बेस्ट ग्रोथ दिखेगा लाइव फीडिंग में। अगर आप श्रिम्प देते हो तो श्रिम्प बहुत अच्छा है, मगर ग्रोथ जो है उतना फास्ट नहीं दिखेगा। आप लाइव फीडिंग जो है वो तो उससे आपका जो फिश है उसका एक्रेशन भी बढ़ता है और फास्ट भी होता है और बहुत अच्छे से फीडिंग लेता है। लाइव फीडिंग जो है वो एकदम देखने में तो बहुत मज़ा आ जाता है लाइव फीडिंग। तो हम लोग तो लाइव फीडिंग ही देते हैं। और अगर सबका घर में पॉसिबल नहीं है लाइव फीडिंग देना, क्योंकि मिलता नहीं है लोकल एरिया में, हम लोग को मिल जाता है इसलिए हम देते हैं। आप लोग मिक्स करके सब कुछ देना, चिकन लीवर, चिकन हार्ट, श्रीम, फिर ये सब देना, तो मिक्स करके सो सब न्यूट्रिशन अब मिल जाएगा। और ये लोग खाता बहुत है, मतलब मैं 80 ग्राम का दो बाटा माछ खा लेता है, इतना ज़्यादा खाता है दिन में। दिन में 2 बाटा माछ खा लेता है 80 ग्राम का। सो बहुत ज़्यादा इन लोगों का खर्चा भी है, पालना है तो खर्चा करना पड़ेगा। मॉन्स्टर फिश गोल्ड फिश की तरह नहीं है कि ऐसे तरीके नहीं है कि थोड़ा कुछ दे दो और हो जाएगा। और आपको सेटअप बड़ा रखना ही होगा मॉन्स्टर फिश अगर पाल रहे हो तो, नहीं तो नहीं होगा। ये कांच में कितना दिन रहेगा आपका, अगर ये 3, 4 फुट, 6 फुट का टैंक भी नहीं रहेगा, आपको बनाना पड़ेगा 7 फुट, 8 फुट, 9 फुट का टैंक, बहुत बड़ा। और चौड़ाई जो है वो 3 फुट 4, 5, ये तो 5 फुट तक हो जाता है ये। सो आपको बनाना पड़ेगा 4, 5 फुट, 6 फुट का मॉन्स्टर टैंक, जो पॉसिबल नहीं है। इतना मोटा एकदम इम्पोर्टेड ग्लास आपको लगाना पड़ेगा, वो बहुत ही ज़्यादा आपको कॉस्ट आ जाएगा। सो सबसे अच्छा है कि आप लोग पॉन्ड बना लो, पॉन्ड में डाल दो, कोई खर्चा भी उतना खर्चा नहीं है जैसे ग्लास, इतना पॉन्ड की तरह आप एक्वेरियम बना गए उससे अच्छा तो आप पॉन्ड ही बना लो, उतना खर्चा नहीं है और मजबूत भी है बहुत। तो देख सकते हो ये जो एलिगेटर गार है एकदम ही छोड़ दिया है हम लोगों ने, और कितना मस्त तरीके से ये घूम रहा है। इतना छोटा जगह में था, देख के हम लोग को अच्छा नहीं लगता था क्योंकि इतना बड़ा जो मछली एकदम घूम नहीं पाता था, एकदम छोटा सिकुड़ के रहता था, अच्छे से शिकार भी नहीं कर पाता था। तो अभी यहाँ पे डाल दिया है, अभी थोड़ा सेट हो जाएगा, फिर अच्छे से हंट करेगा, सब करेगा। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा उन लोगों के लिए, क्योंकि हमारा पॉन्ड जो है वो रेडी नहीं हुआ था ना। सो तो काम चल रहा था बहुत दिन से, 1 महीना हो गया था काम चल रहा था। पहले तो चिपिंग हुआ, फिर प्लास्टर हुआ, सब कुछ हुआ, फिर कलर हुआ, फिर पानी जमा के रखना पड़ा, लीक टेस्ट हुआ, बहुत सारा कुछ हुआ, इसलिए बहुत टाइम चला गया। सो 1-2 महीने में तो ये 1.5 महीना हो गया लगभग पॉन्ड पूरा पूरी बनाने में।
सो क्या आप पॉन्ड का वीडियो नहीं देखे तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो भी आप लोग देख सकते हो। और किसी को अगर एलिगेटर गार या कुछ ख़रीदना हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं वो अवेलेबल करा दूंगा आप लोगों के पास। और एक बात पहले से मैं बोल देता हूँ कि अगर एलिगेटर गार या रेटल कैट फिश, टाइगर सवेलनस कुछ भी ख़रीदना है तो आप लोग माइंड में रख देना कि फ्यूचर में बहुत अच्छा सेटअप करना पड़ेगा आपको, एकदम मॉन्स बहुत बड़ा सेटअप करना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग नहीं रख सकते। एक दो साल में इतना जायंट हो जाएगा कि आपका एक्वेरियम जो है वो एकदम चल जाएगा। सो मेरे पास जो ये 3 फुट का एक्वेरियम था, इसका मेरा लक तो बहुत अच्छा था, क्योंकि ये 3 फुट का एक्वेरियम सिर्फ 6 mm का है। और जब यहाँ हम लोग तो लाइव फीडिंग देते थे, और लाइव फीडिंग जब देते थे एकदम जोर जाके एकदम धक्का मारता था ग्लास में, सो उसको भी सह लिया। ये जो एक्वेरियम है ये बहुत बड़ी बात है। और एरापाइमा अगर आप लोग लेते हो, एरापाइमा तो ये अगर 1.5 फुट का हो जाएगा इस एक्वेरियम में रहेगा तो वो फाड़ ही देगा एक्वेरियम, क्योंकि वो उसका हेड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अभी देख सकते हो हम लोग कपड़ा से ला के यहाँ पे छोड़ दिया है, दोनों एलिगेटर गार अभी एकदम फ्रीली घूम सकते हैं इतना बड़ा पॉन्ड में, उन लोगों को कोई एकदम प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर है। और मैंने सामने जो यहाँ पे टॉप फिल्टर लगाया था 3 फुट एक्वेरियम में, फ़िलहाल के लिए तो वही टॉप फिल्टर लगा दिया है ताकि ऑक्सीजन थोड़ा फ्लो बना रहे जो पानी का। और फिर कुछ दिन बाद ये नेक्स्ट महीने में मैं फिल्ट्रेशन सिस्टम जो है वो बनाऊंगा, देख सकते हो सामने। और लाइट भी लगाया है नीचे वाले, उस टैंक में ही था लाइट, देख सकते हो लाइट जला के मैं दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। जो 4 पीस था, 2 ऑस्कर और एलिगेटर गार, मैंने ऑस्कर को पहले डाला, उसका वीडियो नहीं बना सका, और फिर एलिगेटर गार को डाला। अगर ऑस्कर कल तक ज़िंदा रह जाएगा तो एलिगेटर गार भी ज़िंदा रह जाएगा, क्योंकि एलिगेटर गार तो बहुत हार्डी होता है। मुझे सिर्फ डर है क्योंकि ठंडा है ना अभी, इसलिए मर ना जाए ऑस्कर फिश, सूट कर जाएगा, उतना ठंडा भी नहीं है। देखते हैं क्या होता है, सुबह आपको अपडेट दूंगा। देख सो तो अंडर वाटर भी मैं आप लोगों को व्यू दिखा रहा हूँ, एकदम पानी जो है अभी मैंने सुबह ही भरा है, और पानी ठंडा है क्योंकि हमारा जो है एकदम मिट्टी के नीचे से पानी उठ के आता है, इसलिए ठंडा पानी है एकदम। तो देख सकते हो सुबह हो गया है, मैंने रात को छोड़ा था, सब मछलियाँ कुछ नहीं है, डिप्रेस नहीं है, ऑस्कर फिश जो है एकदम मस्त तरीके से घूम रहा है। मैं आज खाने नहीं दूंगा, कल से दूंगा खाना, और मैंने 4 बाटा माछ भी छोड़ के रखा है। और मैं एक चीज़ फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि बाटा माछ जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है और झील का फिश है, तो पकड़ भी नहीं पा रहा है ये फिश जो है, आप लोग देख सकते हो एकदम जल्दी से जा रहा है उसके पीछे, मगर पकड़ नहीं पा रहा क्योंकि इतना ज़्यादा ये फास्ट है। और जो एलिगेटर गार है वो उतना ज़्यादा फास्ट नहीं, और ऊपर से जो है वो बचपन का जो स्वभाव है वो टैंक में ही है ना, छोटा एरिया में शिकार करने का, ये इतना बड़ा एरिया में शिकार नहीं कर सकता है। तो लगता है मुझे मार मार के ही देना पड़ेगा जो बाटा फिश है। देखते हैं अंडर वाटर आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा व्यू आता है। और यहाँ पे सामने ही एलिगेटर गार है, देख सकते हो। थोड़ा जो 1-2 दिन के बाद जो पानी है वो एकदम साफ हो जाएगा, आपको कुछ दिन बाद का भी व्यू दिखा दूंगा इस वाले वीडियो में। सो गाइस यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो कुछ दिन बाद का जो है वीडियो है, और ये देख सकते हो पानी जो है पहले से बहुत ज़्यादा साफ हो गया है, मछली जो है अंडर वाटर एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, पहले आपका जो देखा था आपने सो उसका तो धुंधला धुंधला दिख रहा है, सो पानी और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा थोड़ा पानी चेंज करने के बाद। अब देख सकते हो ऑस्कर फिश जो है मेरा पास में आ गया है, तो कैमरे के पास में कितना सुंदर लग रहा है अंडर वाटर व्यू, का कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना, और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लग रहा है अंडर वाटर वीडियो। ऑस्कर फिश जो है वो जो है उसका नेचर एक थोड़ा एक्सप्लोर करने का है, इसलिए आके देख रहा है कि क्या है। देख सकते हो कितना सुंदर व्यू दिख रहा है अंडर वाटर, बहुत ही सुंदर है, और पानी जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा साफ हो गया है। और यहाँ पे देख सकते हो एलिगेटर गार भी आ गया है, और एलिगेटर गार जो है अभी फीडिंग लेना चालू कर दिया है क्योंकि छोड़ के 2 दिन हो गया है, मैंने रात को छोड़ा था,
अभी अभी कल 2 दिन हो गया है, मैंने रात को छोड़ा था, 1 दिन 1.5 दिन हो गया है अभी फ़िलहाल तो। अभी ये खाना भी स्टार्ट कर दिया है, ऑस्कर फिश भी खाना स्टार्ट कर दिया है। मैं बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना बड़ा पॉन्ड में ये 4 फिश। मैं बहुत सारा फिश और भी ऐड करूँगा, मैं बोल देता हूँ, मैं पाकू शायद से ऐड करूँगा, ब्लैक पाकू, और जो वहाँ पे छोटा छोटा ऑस्कर फिश है वो भी शायद से ऐड कर दूँगा, और देखूँगा कि ये एलिगेटर गार जो है अटैक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोग जो है एलिगेटर गार से डरते हैं, तो डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एलिगेटर गार बहुत ही ज़्यादा डरपोक स्वभाव का होता है, वो एकदम ही बहुत डरपोक होता है, वो सिर्फ हंट करता है क्योंकि उसका भूख लगता है इसलिए हंट करता है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा डरपोक होता है, जो उसका वो शिकार चुन लेता है उसको ही हंट करता है, अदरवाइज किसी को मारता नहीं है। मगर ऑस्कर फिश जो ऑस्कर फिश गोरामी ये जो है वो बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का होता है, ये वो कुछ भी ये टेरिटोरियल होता है पास में आता तो मार देता है। ये लोग थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का होता है, मगर एलिगेटर गार एकदम शांत होता है, मॉन्स्टर फिश सभी शांत होता है, सिर्फ एलिगेटर गार, रेड टेल कैट फिश, फिर शॉवेल नॉस, ये सब शांत ही होता है, ऑस्कर फिश गोरा में ये सब पाकू ये सब गुस्सैल स्वभाव का होता है। देख सकते हो कितना पास में आ गया है कैमरे के, डर भी नहीं रहा है, और डिटेल आपको बॉडी देखो एकदम खा लिया है तो एकदम फूल गया है, देख सकते हो इतना सुंदर फिश है, एकदम गोल्डन टाइप का कलर आ गया है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय, आज के लिए इतना।